जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पर। आज का जो वीडियो है ये रोहन कुमार जो आर्मी जीडी जो अग्निवीर वैकेंसी जो निकाली है सेकंड वैकेंसी, इसमें इन्होंने फिजिकल क्लियर किया है। इनका जर्नी जानेंगे कि किस प्रकार से इनका जर्नी रहा और कैसे इन्होंने मेरे अकेडमी में तैयारी किया और इनका फिजिकल क्लियर हो गया। पहले तो रिटर्न होती है, फिजिकल क्लियर हो गया। ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ जो फिजिकल रिलेटेड होती है, कैसे उन्होंने अपने फिजिकल को अचीव किया। आप इस प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो या कैसे जर्नी रहा, कैसे तैयारी करें, फिजिकल या डिफेंस रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। ये रोहन है, कंग्रेचुलेशन रोहन कि आपने आर्मी जीडी का वैकेंसी निकाला था। ये बताएंगे कि ये आपने फर्स्ट वैकेंसी थी आपकी ये? यस सर। आपने ट्वेल्थ कब किया था? इसी साल ना? यस सर, 2023 में उन्होंने ट्वेल्थ किया। जस्ट सपोज कर सकते हैं कि हर आदमी की इच्छा होती है कि जस्ट करने के बाद इसी साल 23 में इन्होंने ट्वेल्थ कंप्लीट किया और इसकी फर्स्ट वैकेंसी थी अग्निवीर। ये इनके लिए फर्स्ट वैकेंसी थी लेकिन ये सेकेंड बैच निकला है इंडियन आर्मी की तरफ से। आपने वैकेंसी फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम कब हुआ था इसका, डेट याद है? 17 मई को एग्ज़ाम हुआ था। और फिजिकल कितना तारीख को हुआ है? फिजिकल 20 जून को। अच्छा, आपने ये कितना नंबर, मतलब 50 नंबर का जीडी हुआ था, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 34 क्वेश्चन। और इनका फिजिकल हुआ था कहाँ, चक्कर मैदान ना? यस सर, चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में। और ये एआरओ मुजफ्फरपुर में आएंगे और जेडआरओ दानापुर में आएंगे। अब बिहार से होंगे तो पता होगा कि जेडआरओ दानापुर में 4 एआरओ है, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, दानापुर, रांची। तो ये जो जिनका एआरओ है वो मुजफ्फरपुर एआरओ है। किस डेट में फिजिकल हुआ था आपका? 20 जून 2023 जो अभी चल रहा है, जो बीत गया 4 दिन पहले, उसी में इनका फिजिकल हुआ था चक्कर मैदान जीडी में। और इनका जिला हो गया मधुबनी, मधुबनी जिला का फिजिकल जीडी का 21 जून बताया ना, 20 जून को हुआ था। तो अभी उनका क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट में एक इशू हो गया था, वो कौन सा डॉक्यूमेंट था, आवासीय के लिए सरपंच का जाति आवासीय, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट नहीं तो 21-22 को वीडियो अपलोड हो जाती है। इनका मेडिकल का डेट दिया गया है 25 तारीख को। मेडिकल जो हो जाएंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे कि जो बच्चे को बहुत मेडिकल रिलेटेड दिक्कत होती है क्या क्या होता है, तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम जानेंगे इनका जर्नी, इन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया। इन्होंने बताया कि इसी साल 12th करने के बाद ये मेरे पास होली के बाद से आए थे। उस टाइम तो इनका स्टार्टिंग फेज था तो प्रैक्टिस कर रहे थे, बट लेकिन इनका जीडी का एग्ज़ाम जैसे बताया मई में 17 मई को एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू रहे 2 मंथ में। घबराते तो बहुत ज़्यादा थे, पैनिक बहुत जल्दी होते थे, लेकिन इनका टारगेट था कि हमको अग्निवीर निकालना है। इन्होंने अग्निवीर निकाला और 2 मंथ मेरे यहाँ प्रैक्टिस किए। और इन्हों का ये कुछ नहीं था कि मेरे यहाँ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है, बस हम आप लोग से ही रिकमेंड करेंगे कि जितने काम झाम जो बना के रखे हुए हैं अकेडमी वाले कि ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ कुछ ऐसा लगा कि हम विशेष कुछ होता है, मतलब ग्रुप में कभी दौड़ाए थे आपको हम? Yes. कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत 100-200 ग्रुप में हम दौड़ाएँ आपको? Yes. कभी नहीं दौड़ाए। सिंगल कब दौड़ाए हैं? ज़्यादा मुश्किल से 10 ग्रुप में दौड़ाए होंगे। yes, जो 10 बच्चे होंगे तो हम उस प्रकार से तैयार करते हैं। ये नहीं कि आपको हम 200 बीच में दौड़ा दिए। जनरली हम मैक्सिमम इनका ट्रायल हुआ होगा तो लास्ट ट्रायल प्रीतम के साथ देता था। yes. ये दोनों साथ में दौड़ता था, कॉम्बो था, मतलब टारगेट होता था कि प्रीतम कहता था इसको काटेंगे, ये कहता था इसको काटेंगे। प्रीतम बिहार पुलिस में तैयारी कर रहे हैं और रोहन का अग्नि मेरा टारगेट था। जिन्हें अभी 2 मंथ में प्रैक्टिस किया और लास्ट टाइमिंग यहाँ पर कितना गिराए गए थे? 5-5 और 10 के अंदर। हाँ, 5-5 और 5-10 में इनका जो लास्ट टाइमिंग गिरी थी, 5-5 और 5-10 के आसपास गिरी थी। और बी में इनका 10 में 10 था, मतलब उसमें फुल है। आपका हम फोटो लगा देंगे, उसमें पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि सब क्या है। तो जब फोटो लगाएंगे वीडियो में तब समझ पाएंगे कि क्या रहा वहाँ पर। अब चलते हैं कि जब इन्हों का 20 तारीख को फिजिकल था तो रिपोर्टिंग कितने बजे थी वहाँ पर? रिपोर्टिंग 8 बजे से स्टार्ट हो गया था लेकिन हमने 1 बजे। अच्छा, रात 8 बजे से ही सब लाइन लगना शुरू कर दिया था। yes, लेकिन आप रात में 1 बजे लाइन में लगे। yes, लाइन में लगने के बाद पहले वेरिफिकेशन हुआ एडमिट कार्ड की सही है कि नहीं, सो वेरीफाई किया हुआ एडमिट कार्ड से कि पहले हाइट मेजरमेंट किया था? नहीं सर, पहले वही नंबर दिया एडमिट कार्ड से, चेक करने के बाद नंबर दिया और अंदर होने के बाद हाइट मेजरमेंट किया हुआ? नो सर, कुछ नहीं, बस एडमिट कार्ड चेक किया, उसके बाद नंबर दिया, चेस्ट नंबर दिया। हाँ, चेस्ट नंबर दिया, उसके बाद अंदर ले गया, उसके बाद चेस्ट नंबर दिया और बैच नंबर दिया।
और उसके अंदर ले जाने के बाद क्या बैठा दिया, हाइट मेजरमेंट नहीं किया था? नहीं, अंदर ले जाने के बाद 100 का ग्रुप में 8 ग्रुप था, तो मेरा छठा ग्रुप था। 32 नंबर का बैच था, 32 नंबर का बैच था। उसके बाद बैठा दिया, उसका 4:30 बजे से रनिंग स्टार्ट हो गया। 4:30 बजे मॉर्निंग में रनिंग स्टार्ट हो गया तो आपका छठा बैच था? यस सर, मेरा 6:10 में स्टार्ट हुआ था। 6:00 बजे आपका छठा बैच में, उसमें 100 बच्चे में कितने बच्चे ने उसमें क्वालीफाई किए? 6 बच्चे में 35 बच्चे क्वालीफाई। अच्छा, आपके बैच में 35 बच्चे क्वालीफाई किए, जिसमें एक्सीलेंट भी कितने घुसे थे? एक्सीलेंट 6 बच्चे थे और आप गुड वाले में। जैसे ही आपका रनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर कहाँ ले गया गया, कितना टाइमिंग लगा उसके बाद? उसके बाद कैंप में बैठाया गया, उसके बाद फिर एक लगभग 11 बजे जिम हुआ, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गया। पहले बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसका कितने बजे वहाँ से आपको छोड़ दिया गया? 6 बजे का। छोड़ दिया आपका एक डॉक्यूमेंट भेज हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था इनको, लेकिन बाद में आपने एक नेक्स्ट जो 2 दिन का टाइम मिला और नेक्स्ट जो आपने सबमिट कर दिया। 22 तारीख का टाइम मिला, 22 तारीख को सुबह 7 बजे बोले से आने के लिए। सुबह में फिर डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, उसके बाद फिर जो फ्रेशर थे उसका पूरा पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग को मेडिकल सीट मिला। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि वहाँ जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, हाइट बीम और रनिंग करने में, उसके बाद भी कोई बच्चे रिजेक्ट हुए थे? कोई बच्चे देखे थे जो रनिंग और बीम निकालने के बाद भी रिजेक्ट हुए थे किसी कारण, कोई डॉक्यूमेंट में? नहीं, डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट नहीं हो रहे थे, और बीम चेस्ट में भी रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, पूरा सपोर्ट कर रहे थे, फुला ले कैसे भी हाइट सभी मतलब सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उसके लिए कोई इशू नहीं था, मतलब वहाँ काफ़ी मतलब सपोर्टिव सपोर्ट कर रहे थे। और मेडिकल के लिए 25 तारीख को डेट दिया गया। आपने देखा कि रोहन का ये कैसा जर्नी रहा, कैसे प्रैक्टिस किया? मैंने कहा 2 मंथ में प्रैक्टिस किया और इन्होंने इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी निकाली है। हम आप लोग से, जो भी युवा वीडियो देख रहे हैं, उन लोग से बस ये दरख्वास्त करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कोई वैकेंसी का तैयारी करते हैं तो पैनिक ना हो। जनरली होता क्या है ना कि शुरू किए नहीं कि उनको रिजल्ट की इच्छा हो जाती है कि आज तैयारी किए कल को मुझे रिजल्ट मिल जाए। किसी को सफलता घर से निकलते ही मिल जाती है, किसी को सफलता मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो पेशेंस बना के रखिए, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो रोहन, आपको अकेडमी, मेरी अकेडमी में कैसा अनुभव रहा बाबू? अकेडमी बहुत अच्छा अनुभव रहा, यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ देते हैं और बढ़िया इंडिविजुअल भी आते हैं, और मेन साहब से फिजिकल निकालने के लिए सबसे बहुत अच्छा अकेडमी है। आपको भी कोई मेडिकल रिलेटेड किसी डिफरेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत बहुत जरूरी करेगा।